205 into 0.02 plus 2, 256.1. So E or E generator, yeah, simply E is 256.1 volt. Okay. So I have calculated the EMF induced in the generator in case when the machine was running as a generator. Now I am taking second case when running as, okay, let us calculate this second part first, where it was asking calculate the power developed when running as a generator. So power developed in armature when running as generator. When running as generator, so power developed P generator, I am writing PG equals to E, that is armature voltage, into armature current, that is IA1. E abhi calculate kiya maine 256.1 aur IA1 ki value to T0 205 ampere. So ise solve karenge to iski value aa jayegi 5200.5 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ रहा है 52.5 किलो वॉट, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो वॉट में मैंने लिख दिया। तो इतना पावर आर्मेचर में डेवलप हुआ और लोड पे कितना इसने डिलीवर किया, 50 किलो वॉट क्वेश्चन में गिवन था, दैट मीन्स 2.5 किलो वॉट का लॉस है। ओके, तो ये जनरेटर का केस हो गया। सेकेंड केस अब मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं, वेन रनिंग एज मोटर। फटाफट एक डायग्राम बनाया मैंने रफली, पैरामीटर सब सेम है। अब यहां पे मोटर के केस में बैक ईएमएफ ईबी आएगा जो कि मैं कैलकुलेट करूंगा। आरए तो सेम है, आरएसएच भी चेंज नहीं हुआ है, और क्या चेंजिंग है जनरेटर में, यहां पे लोड कनेक्ट करते हैं, यहां पे अब मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा। ओके, तो यहां पे मैं सप्लाई कनेक्ट करता हूं, कितना सप्लाई वोल्टेज जो है 250 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करनी है, सेम मशीन को मुझे एज अ मोटर रन करना है, 250 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मोटर के केस में आपको पता है करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, IL IA इस डायरेक्शन में होगा और ISH, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज सेम है, जनरेटर के केस में भी 250 वोल्ट सप्लाई कर रहा था, अभी भी 250 है। तो ISH तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, V ओवर RSH इक्वल टू 5 एम्पीयर, ये चेंज नहीं हो रहा है, ISH कांस्टेंट होता है संट में, इसलिए फ्लक्स को कांस्टेंट लेते हैं। फील्ड करंट चेंज होगी जब इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे या ये वोल्टेज चेंज करेंगे, अदरवाइज फील्ड कांस्टेंट होती है। ओके, सो नाउ इसे IA2 लिख लेते हैं, ये IL2 लिख लेते हैं, ISH तो सेम है। सो सिमिलर वे में P इन, जो ये इनपुट पावर है 50 किलोवाट, ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, P इन जो है वो 50 किलोवाट है, क्वेश्चन में गिवन है कि रनिंग एज अ शंट मोटर टेकिंग 50 किलोवाट एज इनपुट। ओके, हेलो, ओके, सो मैंने मोटर के केस में ये ISH निकाला, ISH से P इन गिवन है 50 किलोवाट, P इन इक्वल टू दिस वोल्टेज इंटू दिस करेंट, दैट इज VL इंटू IL, 250 इंटू IL2, तो यहां से IL2 कैलकुलेट कर लिया, 200 एम्पियर IL2 कैलकुलेट हो गया, तो जस्ट यहाँ पे KCL अप्लाई कर दीजिए, IA इक्वल टू IL2 माइनस ISH, तो यहाँ से IL2 माइनस ISH, तो IA2 की वैल्यू आ गई 195
एम्पियर, आर्मेचर करंट जो है मोटर के केस में 195 है, जनरेटर के केस में यहाँ प्लस साइन था तो 205 था। सो हम नेक्स्ट हमें बैक ईएमएफ कैलकुलेट करना, तो ई इक्वल टू वी माइनस आईएआरए माइनस, यहाँ माइनस साइन आता है, तो वी माइनस आईएआरए 250 माइनस 195 इंटू 0.02 माइनस 2, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 244.1 वोल्ट, ई भी निकल गया। सो पावर डेवलप्ड, सो पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितनी पावर डेवलप्ड हुई जब एज अ मोटर रन कर रहा है, तो आर्मेचर की वोल्टेज और आर्मेचर का करंट, दैट इज पी मोटर, अगर मुझे निकालना है तो ई बी आर्मेचर की वोल्टेज हो गई इंटू आर्मेचर की करंट है आई ए टू, ई बी की वैल्यू 244.1 और आई ए टू की वैल्यू 195, तो 244.1 इंटू 195 इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 47599.5000 से अगेन डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ रहा है 47.59 इक्वल्स टू 47.59 किलोवाट, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये जो है किलोवाट में आ जाएगा। तो पावर डेवलप्ड का क्वेश्चन भी खूब आता है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। बट हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछ रहा था स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, कि जब एज अ मोटर रन कर रहा है तो स्पीड भी कितनी है वो भी कैलकुलेट करना है। सो स्पीड वी नो दैट, वी नो दैट, व्हाट वी नो, एन प्रोपोर्शनल टू ई, दैट इज एन जनरेटर अपॉन एन मोटर मस्ट इक्वल टू, जनरेटर के केस में ईएमएफ ई था अपॉन मोटर के केस में बैक ईएमएफ ई बी, एन जनरेटर अपॉन एन मोटर मस्ट इक्वल टू ई अपॉन ई बी, ओके। तो एन जनरेटर वॉज गिवेन, हाउ मच द स्पीड वॉज, वॉट वॉज द स्पीड, ओके ये है क्वेश्चन आपका, 400 आरपीएम जनरेटर के केस में जो स्पीड था वो 400 आरपीएम था, एंड मोटर मुझे कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू मैंने जनरेटर के केस में निकाली थी 256.1 अपॉन मोटर के केस में मैंने बैक ईएमएफ जो अभी कैलकुलेट किया है 244.1, तो यहां से एन मोटर आ गया हमारा 244.1 इंटू 400 अपॉन 256.1, सो फाइनली चेक करते हैं 244.1 इंटू 400 अपॉन 256.1, सो ये आ रहा है आपका एन एम इक्वल्स टू 381.257 आरपीएम, इस यूनिट आरपीएम होंगे। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लोज हो गया, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में गिवन था जनरेटर है तो इतना आउटपुट डिलीवर कर रहा है इस वोल्टेज पे, इस स्पीड पे जनरेटर रन कर रहा है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02 और फील्ड रेजिस्टेंस 50 एम्पीयर दिया, स्पीड पूछ रहा था जब एज अ मोटर रन कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा हमें बैक ईएमएफ निकालना होगा। तो मैंने क्या किया, जनरेटर का डायग्राम बनाया, सारे करंट्स फाइंड आउट किए, ओके। जब सब करंट मुझे पता चल गया, ISH पता चल गया, IL, IA, ISH कैसे पता चला, V अपॉन RSH, IL कैसे पता चला, पावर गिवन है, पावर के टर्म से मैंने IL निकाल लिया, क्योंकि P इक्वल टू VI, यहाँ का पावर, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का करंट, वहाँ से IL निकल गया, IL और ISH पता है तो मैं IA फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो IA पता चल गया। जनरेटर के केस में अगर IA पता चल गया तो मैंने वोल्टेज इक्वेशन E इक्वल टू V प्लस IRA प्लस 2VB से सॉल्व करते हुए ये बैक ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली 256.1। सिमिलर वे में मोटर के केस में आ जाओ, मोटर में भी मैंने वही काम किया, मोटर के लिए डायग्राम बनाया, सॉरी मोटर के लिए भी यही सेम काम रिपीट किया मैंने, मोटर के लिए भी यही सेम प्रोसेस रिपीट किया, ओके। तो ये मोटर के केस में, तो मोटर के केस में भी सेम वे में मैंने सबसे पहले आईएसएच कैलकुलेट किया,
देन इनपुट पावर दिया था, इनपुट किस लेवल पे वोल्टेज, किस वोल्टेज लेवल पे इनपुट हो रहा है वो भी दिया था। तो यहाँ से मुझे ये करंट पता चल जाएगी, आईएल पता चल जाएगी। तो आईएल पहले कैलकुलेट कर लिया मैंने, आईएल की वैल्यू सिमिलर 200 ही आएगी, और आईएसएच तो 5 एम्पियर आएगी, वी ओवर आरएसएच। सो IA2 फाइंड आउट कर लिया, IA2 इक्वल्स टू यहाँ पे केसीएल लगाइए तो IL माइनस ISL तो 195 आ जाएगा। IA2 पता चल गया तो EB बैक ईएमएफ निकाल लिया, यहाँ पे माइनस साइन आएंगे, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ रहा है, बी माइनस आई आ रहा है माइनस ए, तो ये बैक ईएमएफ निकल गया। अब स्पीड पूछ रहा है तो सीधा स्पीड के रेशियो ले लीजिए, NG अपॉन N1, N1 इक्वल टू EG अपॉन EB। रेजोनेटर के केस में आप EG लिखना चाहते हैं तो EG लिख लीजिए, सिंपली मैंने E लिखा है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा DC मशीन टॉपिक, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, टॉर्क इक्वेशन सब कुछ हो गया, आप इसे देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।